आप लोगों को दैनिक लाइफ में आँख के प्रिकॉशन में, आँख के बचाव के लिए हम बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आँख की जब घटना या दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। महत्वपूर्ण अंग आँख है, आँख के बिना हमारा जीवन अधूरा है। होता क्या है कि हमारे इस व्यस्त लाइफ में कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट में या कहीं ऐसे जोखिम भरे कार्य में करते समय आँख में जब घटना घट जाती है या आँख का आईवाल बाहर निकल जाता है, तो अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हम किसी भी प्रकार से किसी भी सिचुएशन में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं कि हमारे इस विक्टिम का, इस पेशेंट का आँख निकल गई, जल्दी से जल्दी हम ले चलें। और जबकि उस टेम्परेचर में, अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, 20 डिग्री है या 25 डिग्री है, तो उस टेम्परेचर में आँख का कंडीशन, क्योंकि यह एक श्लेष्मिक है, इसका पानी कभी नहीं सूखता, यह एक श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर ढका हुआ था, कितना कोमल अंग है, जब यह बाहर से अगर इसका मॉइस्चर जब खत्म हो जाता है तो नाक बराबर होती है, इसकी सेट डेड हो जाती है। इस कंडीशन में इसको हमें बचाने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण अंग है, इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि यह विक्टिम पड़ा हुआ है, अचानक मोटरसाइकिल से या कहीं जा रहा था, जबकि इसकी आई वाल या कैरोटिड आई बाहर इसका पूरा निकल गया। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस विक्टिम का दाहिनी आँख बाहर निकल गया, इसका आई वाल बाहर निकल गया। अब इस सिचुएशन में हमें प्राथमिक कार्य क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक किसी भी प्रकार का कपड़ा या साफ कपड़ा ले लें, कहीं अगर हमारे पास एक वो ड्रेसिंग है न गाज पीस होगा तो हम एक साफ कपड़ा ले लें, जो आँख घायल है या जो आँख में चोट लगी है उसके विपरीत वाली आँख को बंद करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि यह आँख क्यों बंद करेंगे, यह आँख इसलिए बंद करेंगे कि हमारे जो दोनों आँखों का कनेक्शन है वो एक साथ है, अगर यह आँख थोड़ा सा वर्क कर रही है ये भी आँख करेगी, यह दोनों में असर पड़ेगा, इसलिए सबसे पहला काम है इसको हम बंद करेंगे। इसको हम किसी गाज पीस या सफ़ेद कपड़ा से हम धीरे से इस पर लगाया, इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक कोई भी पेपर कप हो या किसी भी प्रकार का एक ऐसा कोई भी जो कि आई वाल को सेफ्टी देने लायक कंडीशन में कोई भी प्रकार का एक हमारे पास गिलास हो या कुछ भी हो तो हम उसको लेंगे। जैसे हमारे सामने देवासी जी लिए हुए हैं, एक पेपर कप है, पेपर कप को लिया और इसमें इसको मॉइस्चर करने के लिए हमारे साथ इसमें पानी होना चाहिए कि एक्चुअल में पानी से ही हम इसको मॉइस्चर करेंगे। तो अब इसको मॉइस्चर नमी की मात्रा को बनाए रखता है, वह बिल्कुल बरकरार रखेगा। दोस्तों अब सिचुएशन क्या होगी, जैसे ही आई वाल का बाहर निकला हुआ है, अब हम इसको इस प्रकार से ले आएंगे कि वह आई वाल को हम कोई भी प्रकार से बाहर आने न दें। अब इस प्रकार से कवर करके हमने रखा और एक कपड़ा या हमारे पास जिसे ये है बैंडेज है, बैंडेज को इस प्रकार से माध्यम से लगाएंगे, नहीं तो इसको हम उस माध्यम पहले उसको चौड़ा थोड़ा सा कर लीजिए, तो इस प्रकार से लगाएंगे कि और यहाँ इस सिचुएशन में हम जो है इस आँख को, बाईं आँख को बंद करते हुए और इसको हम ले आएंगे और इस प्रकार से विक्टिम के पास कि इसकी आँख का कोई भी प्रकार का समस्या न हो। आपको हम बताना चाहूँगा, अब यह विक्टिम कहीं भी हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल आँख को बचाव करते हुए, अब इस कंडीशन में अब विक्टिम की आँख का मूवमेंट, दोनों आँख का मूवमेंट बंद हो गया और विक्टिम की आँख की जो नमी की आदता है वह बिल्कुल बनी है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हम इसको ले जाएंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या करने बंद हो, ये ध्यान रखें। हाँ देखिए, अब आप लोगों के सामने यह बिल्कुल विक्टिम को हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम बिल्कुल अब परफेक्ट करके तैयार कर दिया हूँ। अब यह विक्टिम चाहे 2 घंटे या 3 घंटे में, जितने दूर में हम जितने देर में इस विक्टिम को हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, विक्टिम के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जैसे आँख, कान, नाक, गला हो गया, इसकी चोटें अगर सही ढंग से नहीं हम इलाज करते हैं, नहीं सही ढंग से ट्रीट करते हैं, सही ढंग से हम नहीं बचाव करते हैं, तो हमारे मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही यह डेंजर साबित हो सकता है। तो इस प्रकार हम आप लोगों को जब आई वाल बाहर निकल जाता है तो उसको हम किस प्रकार से बचाव रखेंगे, किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से हॉस्पिटल ले जाएंगे, यह आपको इस
डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम बताने की कोशिश की इसमें किसी का कोई प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं। विक्टिम को हम बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट देते रहेंगे, जैसे कि भाई साहब आपकी आंख को कुछ नहीं होगा, आंख जैसे ही बाहर निकली हुई है उसी प्रकार से डॉक्टर इसको अंदर कर देगा और आप घबराएं नहीं। ऐसी समस्या अपने इस दुर्गम भरे लाइफ में होती रहती है और ऐसी समस्या से आप घबराएं नहीं, हम बिल्कुल आपको ठीक करें।